नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड। आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि पाइथन जो होती है, पाइथन लैंग्वेज है, उसको विंडो 10 में हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं, गूगल में सर्च करते हैं पाइथन। पाइथन सर्च करने के बाद इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, पाई वेलकम टू पाइथन ORG, इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट खुलता है, जो इस वेबसाइट पे पाइथन को जो लैंग्वेज है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो दिया गया अबाउट अस अबाउट डाउन डाउनलोड सेक्शन पे हम लोग जाते हैं, ऑल रिलीज पे देखते हैं। ऑल रिलीज में क्या है कि जो डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज, डाउनलोड पाइथन 3.9.5 है, लुकिंग फॉर डिफरेंट ओएस। डिफरेंट ओएस कहने का मतलब ये है कि आप विंडो में भी यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स में यूज़ कर सकते हैं, मैक उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने डाउनलोड तो पाइथन जो लैंग्वेज है डाउनलोड हो रही है। अगर इसको और सोर्स के बारे में दे, जैसे हम विंडो पे क्लिक करते हैं तो विंडोज़ पे क्या होता है कि ये बताएगा कि आपको कौन सी वर्जन अपलोड करनी है, नहीं है। तो पाइथन जो लैंग्वेज है बेसिकली यह एक बहुत ही बेटर लैंग्वेज है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट भी बना सकते हैं इसका। तो इसमें क्या है कि आप यहाँ से जो डिफरेंट वर्जन है, जैसे सपोज कीजिए कि अभी सबसे पहले जो लेटेस्ट वर्जन आई है वो 3.9.5 है। लेटेस्ट पाइथन 2.2 रिलीज जो इससे पहले जो हुई थी 2.7.18 है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो वर्जन है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको इंस्टॉल हम लोग Windows 10 है इसमें कैसे करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए इसका जो सेटअप फाइल है, सेटअप फाइल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसमें क्या है, इंस्टॉल पाइथन 3.9.5 64 बिट है, ये जो Windows 10 है 64 बिट के लिए है। और इसका जो कस्टमाइज भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जो जो फीचर है उसको आप चूज कर सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नाम कर सकते हैं। तो इसमें ऐड पाइथन जो है, पाथ जो है, इसको भी आप क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे तो चलते हैं हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल यस, इसमें जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो रही है। उससे उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पाइथन का जो डॉक्यूमेंटेशन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। कम्युनिटी भी आप जाके यहाँ से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इसका जो सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस स्टोरीज में क्या है, वी फील मच बेटर इक्विप्ड नाउ टू हैंडल द चैलेंज, एंड इफ वी रन इनटू इशू वी विल कम टू चैटस टू हैमर इट्स आउट, सेड स्टीफन जॉन जॉर्ज जॉन स्टोन, वीपी इंजीनियरिंग एट द फोर्स थेरापीज। तो ये सब जो यहाँ से हम इंस्टॉल, ये मेरा पाइथन जो है इंस्टॉल हो रही है। तो कुछ क्षण के लिए दोस्तों हम इसको पॉज करते हैं, तब तक ये इंस्टॉल हो जाती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो सेटअप है, सेटअप सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, चेक करने के लिए कि मेरा सिस्टम में पाइथन रन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ IDE है, पाइथन मॉड्यूल है, पाइथन मैनुअल है, और भी कुछ देखते हैं। पाइथन 3.964 बिट है, तो इसको इसको चेक करते हैं। ओके, तो चेक करने के लिए प्रिंट, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो वर्ल्ड, देखिए ऑलरेडी पाइथन इसमें काम कर रही है, पाइथन इसमें सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है, इसमें रन भी कर रही है, इसके थ्रू आप प्रोग्राम भी एक कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें देखिए चेक करते हैं कि इसमें जो पाइथन इंस्टॉल हुई है कौन सी वर्जन इंस्टॉल हुई है। तो CMD सर्च करते हैं, कमांड प्रोमोट, इसमें राइट क्लिक करते हैं, रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर,
यानी कि एडमिन के थ्रू मैं इसको रन कराता हूँ। यस 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 करने के बाद सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं वर्जन पी वर्जन, ओके पीप वर्जन आने के बाद बेट, ओके इसी को मैं देखता हूँ इसमें समथिंग सी एम डी रन एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस करने के बाद हम यहाँ टाइप करते हैं पाइथन वर्जन 8 बेट फ्रेमवर्क्स, ओके पाइथन वर्जन इतना पीप वर्जन पीप वर्जन, एक और CMD रन करते हैं, इसमें हमें पाइथन को यूज करना है CMD ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे थे जो पाइथन इसमें इंस्टॉल है 3. पाइथन जो इंस्टॉल है वो ऑलरेडी इसमें बता रहा है। तो वंस अगेन एक बार मैं CMD को ऑन करता हूँ, राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर को रन करने के बाद यस इसमें मैं पाइथन वर्जन चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद इसमें क्या करेंगे हम लोग पाइथन जो है पाइथन में चेक, अब यहाँ से क्या करते हैं पाइथन को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट पाइथन 3.9 टैग आज का डेट भी बता रहा है मैक MSC 19664 AMD 64 ऑन Win32 हेल्प कॉपीराइट क्रिएटिव टू लाइसेंस फॉर मोर इंफॉर्मेशन। ओके तो मैं इसमें एक सिंपल सा प्रोग्राम करके देखता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड इंटर, तो ये ऑलरेडी प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों इसमें जो पाइथन लैंग्वेज है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताया इसमें कैसे इंस्टॉल किया जाता है विंडोज 1064 बिट में, और एक सिंपल सा प्रोग्राम भी मैं टाइप करके रन करा के आप लोगों को दिखाऊँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हम पाइथन का एक फुली सीरीज आपको दें।